You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। लाइटकॉइन के व्हेल्स एंड डॉल्फिन एग्रेसिवली एक्युमुलेट कर रहे हैं सेंटिमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से। टेथर का यूएसडीटी 84 बिलियन डॉलर्स के माइलस्टोन तक पहुंच जाता है क्योंकि सर्कल का यूएसडीसी वॉल्यूम 2 ईयर लो पर आ जाता है। रिपल की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। SEC फेक क्रिप्टो ऑडिट्स के बारे में वार्न करती है। ऑप्टिमिज्म 6% से डेली बढ़ता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस डिक्लाइन होता है क्योंकि प्राइस स्टैग्नेंट होती है। सिर्फ 13% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को CBDCs के बारे में पता है ग्लोबल सर्वे के अनुसार। डुकाटी XRP लेजर के साथ पार्टनरशिप करती है पहला NFT कलेक्शन लॉन्च करने के लिए। UK कोर्ट क्रिप्टो स्कैमर्स को 6 साल की प्रिजन सेंटेंस देते हैं। रशियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि BIRC करेंसी अपकमिंग समिट में डिस्कस हो सकती है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन बिटकॉइन के एडवांसेस को सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स के साथ प्रोपेल करती है। चैनलिसिस और डेलॉयट पार्टनर करते हैं ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और कंप्लायंस में स्ट्रेंथ लाने के लिए। गुची वॉल्ट मटेरियल NFT होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड्स रिवील करती है। एक इंट्रीगिंग ट्रेंड देखा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के प्लेयर्स में। ऐसे ट्रेडर्स जिनको वेल्स और शार्क्स कहा जाता है या फिर ऐसे ट्रेडर्स जिनके पास $9,500 से लेके $950,000 के LTC टोकन्स है, वो अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं इस क्रिप्टो करेंसी में। ये बिहेवियर सजेस्ट करता है कि मेजर ट्रेडर्स ये देखते हैं कि लाइटकॉइन में एक बुलिश इवेंट आ सकता है। सर्कल का USDC चेन वॉल्यूम इथेरियम ब्लॉकचेन पर 2 ईयर्स लो पर आ चुका है। इथर ने अपने आप को एक डोमिनेंट स्टेबल कॉइन की तरह सीमेंट करके रख दिया है जिससे कि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच रहा है। स्टेबल कॉइन्स जनरल ट्रेंड में डिक्लाइन में देखे गए हैं जबकि नए डीफाई अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं मार्केट में। 29 जुलाई को रिपल के द्वारा रिलीज की गई जॉइंट रिपोर्ट में US फास्टर पेमेंट कमीशन ये दिखाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपेंसेस में $10 बिलियन बचा सकता है 2030 तक। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने वार्न किया है एक वरिंग ट्रेंड के बारे में जो कि अकाउंटिंग फर्म्स की कोलैबोरेशन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आती है जिसमें कि वो एक ट्रैक रिकॉर्ड स्कैंडल और फाइनेंशियल कोलैप्सेस बताते हैं क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में। यूनिस्वाप ने टॉप 20 अल्टकॉइंस में सबसे ज्यादा वैल्यू को ऐड किया है जिसमें कि शिबा इनू लाइटकॉइन और डोजकॉइन उसे फॉलो करता है। बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट्स अभी भी हाईली अनइवेंटफुल रही है और एसेट अभी भी $29,000 के प्राइस के नीचे ही देखा जा रहा है। बाकी के अल्टकॉइंस ने भी BTC के परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट मिमिक किया है असाइड फ्रॉम डोजकॉइन, शिबा इनू, यूनी और OP जो कि सभी 3% से अधिक बढ़ चुके हैं डेली में। सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसीज के बारे में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल इन्वेस्टिंग सेक्टर ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs के अकॉर्डिंग। इस डेटा से ये पता चलता है कि सिर्फ 13% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ही जानते हैं CBDCs के बारे में। इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर डुकाटी ने XRP लेजर के साथ Web3 में एंटर कर दिया है। पहला गोल यह है कि उन्हें फर्स्ट एवर डिजिटल कलेक्टेबल बनाना है जो कि एक वीडियो सिक्वेंस है डुकाटी लोगोस का जो मोटरसाइकिल टैंक्स के ऊपर अपीयर किया गया था 1946 से आज के प्रेजेंट डे तक। यूनाइटेड किंगडम कोर्ट ने 2 क्रिप्टो फ्रॉडस्टर्स को सेंटेंसेस दे दिए हैं जो कि अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को हाई प्रोमिसेस ऑफ रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे और एंड में उनका पैसा लूट ले रहे थे। रॉस जे और माइकल फ्रेक्टन को 6 साल और 3 साल की सजा दी गई है साउथवार्क क्राउन कोर्ट के बदौलत।